बधाई कार्ड तुम कैसे बनाओगे बताओ। बधाई कार्ड बनाने के लिए आवश्यक आकार का कागज काटूंगा, उसके चारों किनारों पर पुरानी साड़ी का लेस चिपकाऊंगा। कार्ड को आवश्यक आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाऊंगा। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करूंगा, फिर कार्ड पर बधाई का संदेश लिख दूंगा। इस तरह बधाई कार्ड तैयार हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 11 पर प्रकाशित बधाई कार्ड देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। यह बधाई कार्ड किसने किसे भेजा है? यह बधाई कार्ड स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है। स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड किस अवसर पर भेजा है? स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड दादाजी के जन्मदिन पर भेजा है। कार्ड में संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा गया है? कार्ड में संबोधन के स्थान पर पूज्य दादाजी और अभिवादन के स्थान पर सादर प्रणाम लिखा गया है। स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी की क्या है? स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा गया है? संदेश के स्थान पर कार्ड में जन्मदिन की बधाई लिखा गया है। अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए एक बधाई कार्ड तैयार करें। बधाई कार्ड कैसे तैयार करना है देख लीजिए।